नमस्कार दोस्तों, विश्व यात्रा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वार्ष्णे। दोस्तों, आज हम यहां नीदरलैंड स्थित रेल म्यूजियम देखने आए हैं। आइए चलते हैं अंदर। नीदरलैंड के शहर यूट्रेक्ट में स्थित इस शानदार स्पूरवैग म्यूजियम का निर्माण सन 1927 में हुआ था। वर्तमान समय में यह म्यूजियम सन 1874 में बने और सन 1939 में बंद हो चुके मालीबेन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग में स्थित है। म्यूजियम के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही एक सुंदर बड़ा हॉल है, जहां विजिटर्स को म्यूजियम के बारे में मुख्य मुख्य बातें बताई जाती हैं और एक मैप दिया जाता है, जिससे म्यूजियम विजिट करने में विजिटर्स को बहुत सुविधा रहती है। इस म्यूजियम में रेल और उसकी विकास यात्रा को बड़े सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया गया है। अतीत, वर्तमान और भविष्य की रेल यात्रा को यह अच्छी प्रकार से समझाया गया है। इस डच रेल म्यूजियम में पुराने भाप के इंजन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, पैसेंजर ट्रेन, गुड्स ट्रेन, कार, ट्राम तथा पुराने समय में शाही परिवार के लोगों के लिए लग्जरी कोच भी प्रदर्शित किए गए हैं। Ik ga de regulateur afsluiten. Stoom toevoeren naar de cilinders is gestopt. इस विशाल और शानदार म्यूजियम में रोलिंग स्टॉक का एक बड़ा और विविध संग्रह है। म्यूजियम में 120 से अधिक वाहन रखे गए हैं और उपकरणों का संग्रह इतना विशाल है कि इसे सीमित स्थान होने के कारण अभी तक प्रदर्शित नहीं किया गया है। यूट्रेक्ट नीदरलैंड के इस स्पूरवैग रेल म्यूजियम में प्रतिवर्ष लगभग 4,00,000 विजिटर्स आते हैं। इस म्यूजियम में रेलवे स्टाफ द्वारा मेंटेनेंस के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाहन भी प्रदर्शित किए गए हैं। लोकोमोटिव को लोको पायलट किस प्रकार रन करता है, इसका यहाँ बहुत अच्छा डेमो दिखाया जाता है। पुराने समय में यूरोपियन ट्रेन्स का इंटीरियर भी यहाँ बहुत अच्छी तरह प्रदर्शित किया गया है। यूरोपियन ट्रेन्स के अपर क्लास में बैठने की शानदार व्यवस्था, बैठने के साथ साथ ऑफिस का काम करने की व्यवस्था, लग्जरी सिटिंग और साथ साथ सोने की भी व्यवस्था यहां प्रदर्शित की गई है। यूरोपियन ट्रेन्स में अपर क्लास के साथ पुराने समय में भी पेंट्री की व्यवस्था रहती थी, उसका भी यहां बहुत शानदार डिस्प्ले दिखाया गया है। वर्तमान समय में नीदरलैंड में डबल डेकर ट्रेन बहुत अच्छी प्रकार से रन कर रही है, उसकी अपर क्लास का भी यहां बहुत शानदार प्रदर्शन किया गया है। इस डच रेल म्यूजियम में डेल्फ्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी नीदरलैंड द्वारा बनाया गया हाइपर लूप ट्रेन का प्रोटोटाइप भी प्रदर्शित किया गया है। यह एक हाई स्पीड ट्रेन है जो एक ट्यूब के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में बिना व्हील्स के रन करती है। नीदरलैंड के इस शानदार डच रेल म्यूजियम में पुराने समय में शाही परिवार द्वारा प्रयोग की जाने वाली लग्जरी ट्रेन भी प्रदर्शित की गई है। इस लग्जरी ट्रेन में कस्टमाइज्ड फूड के लिए रेस्टोरेंट भी बना हुआ है।
यह म्यूजियम विजिटर्स के लिए सप्ताह के सातों दिन सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है। इस म्यूजियम का प्रवेश शुल्क भारतीय मुद्रा में लगभग 1600 रुपए प्रति व्यक्ति है। इस म्यूजियम के बाहर कार पार्किंग की बहुत शानदार व्यवस्था है। दोस्तों, आशा करता हूँ नीदरलैंड के रेल म्यूजियम का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया स्क्रीन पर आए हुए वीडियो लिंक क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए। विश्व यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।